here our answer. Once a little parrot fell in a yard of my house. तो एक बार की बात है, एक लिटिल पैरट जो है मेरे यार्ड में, मतलब मेरे आंगन में गिर जाता है, गिर गया था. I saw someone had tied its leg with a string. और मैंने क्या नोटिस किया, मैंने क्या देखा कि स्ट्रिंग से, मतलब एक रस्सी से उसके पैरों को किसी ने टाई कर रखा था, मतलब बांध रखा था उस पैरट के. कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा होगा वो बर्ड, छोटा सा, ठीक है. It had escaped but couldn't sit and fly anymore. उसने ट्राई किया एस्केप करने का, मतलब उसने भागने का ट्राई किया. वो भागा भी लेकिन वो कहीं पर बैठ नहीं पाया और फ्लाई भी नहीं कर पाया, राइट. I picked up, मैंने उसको पकड़ा, उस लिटिल पैरट को मैंने पकड़ा. I cut the string with a knife very carefully. और मैंने नाइफ से बहुत ज़्यादा carefully string को, यानी कि रस्सी को कट कर दिया. Then I released it. फिर उसके बाद मैंने उसको रिलीज कर दिया, यानी कि छोड़ दिया. It flew away immediately. और वो तभी immediately उड़ गया, ठीक है बेटा. तो मैंने यहाँ पर अपना एग्जाम्पल दिया है, आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू हमारे साथ ये एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हो अपने एग्जाम्पल देकर. देख, जैसे कि इसमें आपको ये बताना है कि आपने किसी एनिमल या किसी बर्ड को हर्ट होते हुए देखा है, यानी कि पेन में देखा है, देन उसके बाद आपने क्या किया, ठीक है. आपके भी बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे होंगे, तो मेरा एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया, ठीक है. आप अपना एक्सपीरियंस भी इस पर शेयर कर सकते हो. ओके, लेट्स कम टू दी विद द नेक्स्ट सेक्शन. इन द नेक्स्ट सेक्शन लेट्स राइट एंड टॉक, ठीक है. तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है विच इज रिलेटेड टू लिसन एंड टॉक. ओके, तो इसमें आपको लिसन और टॉक करना है, यानी कि बात करके और डिस्कशन करके ये काम करना है. बट मैंने यहाँ पर आपका लिख भी दिया ताकि आपको रिटन नॉलेज भी मिल जाए. ओके, वेयर इज मणिपुर ऑन द मैप ऑफ इंडिया. तो आपको इंडिया के मैप के अंदर मणिपुर को फाइंड करना है कि बेसिकली मणिपुर है कहाँ. तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, तो इस साइड पर मणिपुर है, राइट. नेक्स्ट है, तो मैंने इसको रिटर्न में भी लिखा है, मणिपुर इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया ऑन द बॉर्डर ऑफ म्यांमार. तो मणिपुर बेसिकली कहाँ सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट पार्ट, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट पर है, ठीक है. ऑन द बॉर्डर ऑफ म्यांमार, बिल्कुल म्यांमार के बॉर्डर पे, राइट. तो कहाँ पर है मणिपुर, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया लोकेट करके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लैंग्वेज डू द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक. मणिपुर के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं. नाउ वी हैव थ्री ऑप्शंस हियर, असमीज, मैथलॉन या मिजो, ठीक है. तो कौन सी लैंग्वेज मणिपुर के लोग बोलते हैं. जो लैंग्वेज मणिपुर के लोग बोलते हैं बेसिकली उसे मणिपुरी भी बोलते हैं, बट उसको इन अदर वर्ड्स में हम मैथलॉन भी बोलते हैं, ठीक है. पहले उसको मैथलॉन बोला जाता था, लेकिन अब इंटरनेट पर अगर आप नाम फाइंड करोगे उसका, तो वो मिथिलॉन हो गया है, ठीक है. उसको मीथी भी बोलते हैं. तो ये वाला जो आंसर है ये राइट हो जाएगा, मैथलॉन, राइट. तो अब उसका थोड़ा सा नाम भी इसमें चेंज हो चुका है. लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लाइड. Now we have our next slide here. Who do you think should have been made the future king? तो आप लोग क्या सोचते हो, आपकी ओपिनियन में क्या है कि किसको फ्यूचर किंग बनना चाहिए था. सना जाओबा को बनना चाहिए था, द वन हु जंप्ड थ्रू द ट्री, जो ट्री के थ्रू, मतलब ट्री में से जंप करके गया था, उसको बनना चाहिए था, ठीक है. या सना याइमा को, द वन हु जंप्ड ओवर द ट्री, सना याइमा जो ट्री के बहुत हायर जंप करके गया था, उनका सेकंड सन, ठीक है. या फिर सना टोम्बा को, द वन हु अप्रूटेड द ट्री. सना टोम्बा मतलब जिसने ट्री को ही अप्रूट कर दिया था, मतलब उसको उखाड़ दिया था. तो किसको बनना चाहिए था, ठीक है, आपकी ओपिनियन में. अब क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक सो. और अगर जिसको बनना चाहिए था तो क्यों बनना चाहिए था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका मतलब आप मान लो दिस इज फर्स्ट पार्ट और ये दूसरा पार्ट है, ठीक है. तो आप ऐसा क्यों सोचते हो, और हु वॉज मेड द फ्यूचर क्वीन एंड वाई, और किसको फ्यूचर क्वीन बनाया गया था और क्यों बनाया गया था. तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहां पर दिए हुए हैं, ओके. नो वन शुड बी मेड द किंग बिकॉज, कोई भी किंग बनने के लिए वर्थ ही नहीं था. क्यों, क्योंकि क्यों नहीं था. दे ओनली बिलीव इन शोइंग स्ट्रेंथ, दे ओनली बिलीव्ड, ओके, they only believed in showing
स्ट्रेंथ विच इज नॉट ऑलवेज गुड. ये तीनों जो थे, मतलब ये तीनों जो सन थे किंग के, ये सिर्फ किस पे बिलीव रखते थे? अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को शो करने में बिलीव रखते थे, राइट? तो वो हर टाइम ठीक नहीं होता, कभी कभी ठीक होता है जब आप लड़ाई के लिए बाहर जा रहे हो, लेकिन नॉट ऑल द टाइम इज गुड. अ फ्यूचर किंग शुड बी ज्यूडिशियस एंड कंसीडरेट. तो हमारा जो फ्यूचर किंग या फिर हमारी जो फ्यूचर क्वीन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा ज्यूडिशियस होनी चाहिए, मतलब इक्वली लोगों के अंदर, मतलब इंसाफ कर सके, ओके? और कंसीडरेट होनी चाहिए, मतलब वो अपनी पावर को डिजर्विंग होनी चाहिए, ठीक है? जिसको उसको कंसीडर किया जाना चाहिए कि हाँ, अगर उसको कंसीडर किया जा रहा है किसी भी चीज़ के लिए तो क्यों किया जा रहा है, तो वो डिजर्विंग होनी चाहिए, ठीक है? तो वो लोग डिजर्विंग नहीं थे, राइट? तो ये इन माई ओपिनियन, ओके? आपकी ओपिनियन कुछ और भी हो सकती है, ठीक है? तो मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है इस स्टोरी के साथ वो मैंने यहाँ पर शेयर किया है. आप अपने आप भी कुछ आंसर लिख सकते हो, ओके? इसको मॉडिफाई करके. तो नाउ वी हैव डन फर्स्ट पॉइंट. सो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज मेड द फ्यूचर क्वीन एंड वाई? तो किसको फ्यूचर क्वीन बनाया था और क्यों बनाया था? सना टोम्बी वॉज मेड द फ्यूचर क्वीन. तो सना टोम्बी को फ्यूचर क्वीन बनाया था, जैसे कि हमने स्टोरी के अंदर भी पढ़ा था, बिकॉज शी हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ गुड रूलर. क्योंकि उसके पास सारी क्वालिटीज थी एक अच्छा रूलर बनने की. शी डिड नॉट बिलीव इन हर्टिंग एनी वन, नॉट इवन ट्रीज. तो वो बिलीव ही नहीं करती थी किसी को हर्ट करना, इवन ट्रीज को भी नहीं, ओके? तो इतनी ज्यादा काइंड थी और इसीलिए वो बहुत ज्यादा डिजर्विंग थी. नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, वर्ड बिल्डिंग. से अलाउड द फॉलोइंग नेम्स इन योर मदर टंग. तो नाउ वी हैव, मतलब फ्यू हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो कि किसके अंदर है, मणिपुरी में, बट हमें इनको प्रोनाउंस करना है, इनको बोलना है अपनी मदर टंग में. मतलब उनकी प्रोनाउंसिएशन उसके लिए कुछ और होगी, हमें अपने एक्सेंट में बोलना है इनको, ठीक है? जैसे निंगथो, हमारे एक्सेंट में निंगथो होगा, लीमा, मियम और खोंगनंग, ठीक है? तो ये हमारी एक्सेंट में होगा. नाउ वी हैव डन दिस, लेट्स मूविंग ऑन. राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग इन इंग्लिश. तो अब हमें यहाँ पर कुछ मणिपुरी वर्ड्स दे रखे हैं, हमें उनके मीनिंग्स लिखने इंग्लिश के अंदर, ओके? तो फर्स्ट वर्ड है तुंगी निंगदो. तुंगी निंगदो का मतलब होता है फ्यूचर किंग. थोरो थोरो, उसका मतलब होता है ब्रावो ब्रावो, मतलब ब्रेव, ठीक है? किसी को शाबाशी देते हैं जब कोई जब ब्रेव काम कर देता है. फेजई फेजई, दैट मीन्स वंडरफुल, ओके? दैट मीन्स वंडरफुल. फेजई फेजई मतलब वंडरफुल. और शगोल थौबा नुपा, इसका मतलब होता है सच अ फाइन हॉर्स मैन, ठीक है? बहुत अच्छा हॉर्स मैन, ओके? नाउ वी आर डन दिस, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. फन विद द साउंड वर्ड्स. नाउ वी हैव टू फन विद द साउंड वर्ड्स, ठीक है? वर्ड्स के जो साउंड है, अब उनकी तरफ देख लेते हैं. सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स साउंड लाइक अ नॉइसेस फॉर विच दे स्टार्ट. तो कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स होते हैं, उनकी साउंड होती है, ठीक है? द नॉइसेस जो उनके अंदर से साउंड निकलती है, ठीक है? कुछ चीज होती है इंटरेस्टिंग सी, उनके अंदर से साउंड निकलती है, ठीक है? फॉर विच दे स्टैंड, ठीक है? तो कोई भी चीज़ होती है उसकी, जो भी साउंड होती है, जो भी उसकी नॉइस होती है, यू यूज डिफरेंट टोन ऑफ वॉइस. आप अलग अलग टोन, वॉइस की जो अलग अलग टोन है उसको यूज करते हो व्हेन यू से दीज वर्ड्स, जब आप इन वर्ड्स को बोलते हो, ठीक है? द वॉइस बिकम्स लाउडर एंड मोर फोर्सफुल. तो वॉइस जो होती है बहुत ज़्यादा लाउडर हो जाती है और फोर्सफुल हो जाती है किसी भी चीज़ के लिए, जब किसी भी चीज़ का आप टोन निकालोगे, किसी भी चीज़ की आप टोन निकालोगे, है ना? किसी भी चीज़ की आप वॉइस को नोट करोगे. फॉर एग्जाम्पल, जूम वेंट द कार. जब कार बहुत तेज़ी से जाती है तो वो कैसी आवाज़ छोड़कर जाती है? जूम वेंट द डोर. और डोर जब खुलता है, जब आप डोर पटकते हो तो वो कैसी आवाज आती है वहां पर? वो बैंग की आवाज आती है, राइट? और कौन सी साउंड्स को आप पिप पॉप, तो फ्लैपटी फ्लॉप. तो पिप पॉप कब आवाज आती है? जब आप टक 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 ऐसे कब आवाज आती है? जब आप स्टेयर्स से गुजरते हो, स्टेयर्स के ऊपर चढ़ते हो, तो वो कौन सी आवाज आती है? वो पिप पॉप, है ना? नेक्स्ट है, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें बेसिकली करना क्या है? से द फॉलोइंग एंड write that would make these sounds or actions. Now we have few sounds here,
ठीक है, हमारे पास कुछ साउंड्स हैं और हमें बताना है कि ये साउंड किसकी हैं और कब बोली जाती हैं, ठीक है। तो हम इन साउंड्स को कब निकालते हैं और ये साउंड्स किसकी हैं, तो ध्यान से देखना, क्लिक की साउंड किसकी होती है, कैमरा की होती है। चिर्प, बर्ड्स क्या करते हैं, चिर्पिंग किसकी होती है, बर्ड्स की होती है। विस्पर क्या होता है, जब हम टॉकिंग इन द लो वॉइस, जब हम अपने आप से लो वॉइस में बात करते हैं। ब्रेवो का मतलब होता है, इट इज सेड व्हेन समवन इज डूइंग गुड। ब्रेवो का मतलब होता है जब शाबाशी देने के लिए हम इसको यूज करते हैं, जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है, ठीक है। ओ इट इज सेड टू एक्सप्रेस सरप्राइज एंड पेन, ठीक है। तो ओ हम कब यूज करते हैं, जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज से सरप्राइज होते हैं या फिर हम पेन में होते हैं, ओ इस तरीके से हम यूज करते हैं। आ इट इज सेड टू एक्सप्रेस प्लेजर, आ हम कब यूज करते हैं, जब हम प्लेजर को एक्सप्रेस करते हैं। एंड हुर्रा हम कब यूज करते हैं, इट इज सेड टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस। और हुर्रा हम तब यूज करते हैं जब हम बहुत जॉयफुल फीलिंग होती है ना हमें, हैप्पीनेस, तब हम हुर्रा यूज करते हैं, ठीक है। समटाइम्स आप लोग भी गेम्स में जीत जाते होंगे, फुटबॉल मैच में जीत गए जैसे फॉर एग्जाम्पल आप, या फिर स्कूल में कोई भी कॉम्पिटिशन आपकी टीम जीत गई तो आप लोग सब मिलकर खुशी से ऐसे चिल्लाते हैं ना हुर्रा, तो वो ये एक्सप्रेशन होता है, राइट। अलास दैट मीन्स sadness, it is said when you are sadness, when you are in sadness, तो ये जब बोला जाता है, जब express किया था, जब आप sadness में होते हो, alas, wonderful, it is said to express प्लेजर एंड हैप्पीनेस। तो वंडरफुल तब यूज किया जाता है जब आप बहुत ज्यादा प्लेजर में होते हो, जब बहुत ज्यादा मजे में होते हो या फिर हैप्पीनेस में होते हो, ठीक है। तब आप कोई भी अमेजिंग सी चीज देखते हो तो वाओ वंडरफुल, ठीक है, तो आप प्लेजर ले रहे हो उस चीज का। हाय इट इज सेड टू एक्सप्रेस ग्रीट समवन, जब आप किसी को ग्रीट करते हो, किसी का वेलकम करते हो, किसी से मिलते हो, देन यू यूज हाय, ठीक है। तो आप लोग बेसिकली करते होगे ना, जब किसी से आप मिल रहे हो, अपने फ्रेंड से बहुत टाइम बाद मिल रहे हो, या फिर आप किसी को मैसेज भी भेजते हो, तो ग्रीट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, हाय। हो इट इज यूज टू एक्सप्रेस अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन, तो हो जो होता है वो किसी की अटेंशन को लेने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, वो साउंड जो होती है। होप अवे, होप अवे का मतलब क्या होता है, इट इज अ साउंड प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ जंपिंग। तो होप अवे एक ऐसी साउंड है जब आप जंपिंग कर रहे होते हो, तो तब ये साउंड प्रोड्यूस होती है, राइट। लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, लैंग्वेज यूज। अब लैंग्वेज यूज की तरफ चलते हैं। रीड द लेसन केयरफुली, अब इसके अंदर हमें बेसिकली करना क्या है, रीड द लेसन केयरफुली, लेसन को आपको केयरफुली पढ़ना है। एंड पुट अ सर्कल अराउंड द एक्शन वर्ड्स विद द ईडी एट द एंड, ठीक है। तो आपने लेसन पढ़ा है, लेसन को आपको सही से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और एक्शन वर्ड्स के ऊपर आपको ऐसे एक्शन वर्ड्स जिनके एंड में ईडी आ रहा हो, फॉर एग्जांपल स्टॉप, स्टॉप होता है ना, तो अगर उसके एंड में ऐसी एक्शन वर्ड है स्टॉप, उसके एंड में ईडी आ गया, स्टॉप्ड हो गया, तो इस तरीके के आपको सर्कल करना है। देन राइट देम इन वन कॉलम एंड देयर प्रेजेंट, एंड देयर प्रेजेंट फॉर्म इन अनदर, तो उनको आपको एक वन कॉलम के अंदर आपको फिल करना है और उनकी प्रेजेंट फॉर्म को अनदर कॉलम में फिल करना है। मतलब आपको एक तो उनकी प्रेजेंट फॉर्म फिल करनी है और एक जगह आपको उनकी पास्ट फॉर्म फिल करनी है, राइट। वन इज डन फॉर यू, और एक आपको करके दिखा दिया गया है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नाउ वी हैव द एक्शन वर्ड्स विद ईडी एट द एंड, एक्शन वर्ड्स इन प्रेजेंट फॉर्म, राइट। तो हमने चैप्टर के अंदर कुछ वर्ड्स देखे थे विद द ईडी फॉर्म, ओके, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई, ठीक है। तो मैंने आपका आंसर ऑलरेडी दे रखा है, आप इन वर्ड्स के अलावा भी कुछ और वर्ड्स चैप्टर में से निकाल कर आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, राइट। जैसे कि हमने लिव्ड पढ़ा था, तो उसकी जो प्रेजेंट फॉर्म होगी वो लिव होगी, एंड पियर्स पढ़ा था, उसकी जो प्रेजेंट फॉर्म होगी, पियर्स्ड पढ़ा था मतलब हमने, और उसकी जो प्रेजेंट फॉर्म होगी वो पियर्स होगी, राइट। और यहाँ पर हमने शाउटेड पढ़ा था, लेकिन इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म होगी वो शाउट होगी, ठीक है। लिव्ड, लिव, पियर्स्ड, पियर्स, शाउटेड, शाउट, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म लिखनी है और यहाँ पर आपको लिखनी है इसकी पास्ट फॉर्म, राइट, मतलब ईडी उसमें ऐड करके। Now we are done this question. Let's moving on other question. Fill in the correct word in the blanks and complete the story. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर एक स्टोरी है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ड इसमें फिल करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको इसमें फिल करनी है स्टोरी के अंदर, एंड यू हैव टू कंप्लीट द स्टोरी, ओके। तो जल्दी से कर लेते हैं ये स्टोरी को भी। इन अ फॉरेस्ट
देयर डैश अ गॉब्लिन नेम्ड क्रीवल. एक मतलब एक फॉरेस्ट की बात है, वहाँ पर एक गॉब्लिन नाम का एक क्रीवल रहता था. क्रीवल का मतलब होता है निर्दयी, लाइक अ मॉन्स्टर. वो रहता था वहाँ पर, इस तरीके का कोई मॉन्स्टर रहता था, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. और ये एक मॉन्स्टर है, मतलब एक क्रिएचर टाइप है. निर्दयी का मतलब किसी की भी जान नहीं बख्शेगा, किसी के ऊपर तरस नहीं खाएगा. वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल और कठोर था. ठीक है, तो फॉरेस्ट के अंदर रहता था. तो यहाँ पर क्या यूज़ होगी, लिव रहता था तो सेकेंड फॉर्म है, तो लिव्ड यूज़ होगी यहाँ पर. मैंने ऑलरेडी यहाँ पर राइट कर रखा है. ठीक है, अ गॉब्लिन नेम्ड वन डे ही मेट, ओके, एक दिन वो किससे मिला, ही मेट एन ओल्ड मैन वैंडरिंग इन द फॉरेस्ट. वो एक ओल्ड मैन से मिला जो कि फॉरेस्ट के अंदर घूम रहा था. इमीजिएटली क्रियोल लेप्ट ऑन टू द ओल्ड मैन्स शोल्डर. ठीक है, तो इमीजिएटली फिर क्या होता है, लेप्ट यहाँ पर लेप्ट मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर लेप्ट पुट होगा. लेफ्ट का मीनिंग होता है कि मतलब शोल्डर पर बैठ जाना, इस तरीके से, लाइक दिस, ऐसे शोल्डर पर पीछे से बैठ जाना. तो वो ओल्ड मैन के शोल्डर्स पर बैठ जाता है वहाँ पर, एंड और पकड़ के बैठ जाता है, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसको ऑर्डर देता है, लेट्स गो. ठीक है, ऑर्डर्ड आएगा बेटा यहाँ पर, ऑर्डर्ड हिम, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है. ठीक है, क्योंकि स्टोरी जो है पास्ट में चल रही है. जब आप किसी को भी स्टोरी टेलिंग करते हो तो वो स्टोरी आप पास्ट में सुनाते हो ना, ऐसा था वैसा था, तो इसी तरीके से स्टोरी हम पास्ट में चला रहे हैं, पास्ट में चल रही है ये स्टोरी. ठीक है, तो ही ऑर्डर्ड हिम, उसने उसको ऑर्डर दिया, लेट्स गो मूव फास्ट, कि सीधे चलते रहो और जल्दी से चलो. ठीक है, द फ्राइटेंड ओल्ड मैन ओबेड. ठीक है, ओबेड द नेस्टी कॉल्बिन. तो फ्राइटर्ड मतलब डरा हुआ ओल्ड मैन जो है उस नेस्टी मतलब उस गोब्लिन की बात मानता है, एंड वॉकड ऑन, और चलता रहता है. राइट, एज दे मूव्ड, जैसे जब वो मूव्ड होते हैं, मतलब मूव्ड होते हैं, वो मूव्स नहीं आएगा यहाँ पर, मूव्ड होगा. ही नोटिस्ड, वो क्या नोटिस करते हैं, द गोब्लिन्स फेस्ड. तो वो ओल्ड मैन जो होते हैं वो क्या नोटिस करते हैं, कि गोब्लिन के जो फीट हैं मतलब उसके जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, बहुत ज़्यादा टेंडर है, यानी कि सॉफ्ट है. ठीक है, द ओल्ड मैन आस्क्ड क्रूअल, तो ओल्ड मैन उस क्रूअल से यानी कि गोब्लिन से पूछते हैं, सर हाउ आर योर फीट सो सॉफ्ट एंड टेंडर. सर आपके जो फीट हैं वो इतने सॉफ्ट और टेंडर क्यों हैं, मतलब इतने सॉफ्ट और नाजुक क्यों हैं. क्रियोल रिप्लाइड आएगा यहाँ पर, ओके, क्रियोल रिप्लाई करता है, आई हैव टेकन अ वो, मैंने ना शपथ लिया, मतलब वो का मतलब होता है मैंने कसम खाई है, दैट आई विल नॉट टच ग्राउंड विद माई फीट, मैं अपने मतलब मैं ग्राउंड से अपने फीट को टच नहीं करूँगा, टिल I wash them, जब तक मैं इनको wash ना कर लूँ, मतलब इनको धो ना लूँ. ठीक है, they soon came, okay, यहाँ पर came आएगा, they soon came to a pool. अब वो एक pool की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, pool पर आ जाते हैं वो. The goblin instructed the old man to wait for him. Instructed, okay, यहाँ पर instructed use होगा. The old man to wait him while he entered. तो goblin ओल्ड मैन को इंस्ट्रक्ट करता है कि अभी रुको, मेरा यहाँ पर वेट करो. ठीक है, ही एंटर्ड द पूल, और फिर उसके बाद गॉब्लिन जो है वो पूल के अंदर एंटर हो जाता है. द ओल्ड मैन थॉट, यहाँ पर थॉट आएगा क्योंकि ये थिंक की पास्ट फॉर्म है. ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन थॉट टू हिमसेल्फ, अब ओल्ड मैन ने अपने आप में सोचा, नाउ दैट द गॉब्लिन हैज वेट हिज फीट, अब गॉब्लिन ने अपने फीट जो हैं वेट कर लिए, यानी कि धो लिए, ही डज नॉट नीड मी, अब उसको मेरी ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो तो उनके ऊपर चल रहा था ना, उनके शोल्डर पर लेफ्ट होकर चल रहा था, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि जब तक वो अपने फीट को वॉश नहीं कर लेगा तब तक वो ग्राउंड को टच नहीं करेगा. राइट, तो अब उसने अपने वॉश कर लिए अपने फीट को, तो अब ओल्ड मैन डर जाते हैं, क्यों, क्योंकि अब तो इसको मेरी नीड है ही नहीं, अब तो इसने अपने फीट्स को वॉश कर लिया है, लेट मी रन फॉर माई लाइफ, और ही विल श्योरली ईट मी अप. अब वो कहते हैं कि चलो अब मैं भागता हूँ जल्दी से अपनी जिंदगी मतलब अपनी लाइफ को बचाने के लिए, वो पक्का मुझे खा जाएगा, ओके, वो जो क्रूअल है. सो ही रैन ऑफ, तो वो क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं. ठीक है, जो ओल्ड मैन होते हैं वो भाग जाते हैं. नेक्स्ट, नाउ वी आर डन विद दिस स्टोरी, लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ड्स फ्रॉम दिस स्टोरी. अब आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है एक्शन वर्ड्स की, यानी कि वर्ब्स की, ठीक है, स्टोरी के अंदर से, स्टोरी के अंदर आपने जो भी पढ़ा, ठीक है. ईडी एक्शन वर्ड्स आपको यहाँ लिखना है और इरेगुलर एक्शन वर्ड्स आपको यहाँ लिखना है. सो नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ड्स, जो कि यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ. ऐसे एक्शन वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर ईडी का यूज होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल विजिट, विजिट एक्शन वर्ड है एक, उसके अंदर ईडी लग जाएगा. कुछ एक्शन वर्ड्स आपने ऐसे पढ़े होते हैं जिनका मतलब जो जिनकी जो फास्ट फॉर्म जो है उसके लास्ट में ईडी लग जाता है, राइट. लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जिनके अंदर ईडी नहीं लगता, उनका पूरा ही मतलब मीनिंग, मतलब उनका पूरा वर्ड चेंज हो जाता है, ईडी नहीं लगता, राइट. मतलब हर वर्ड्स के अंदर ईडी नहीं लगता, कुछ वर्ड्स के अंदर उनका वर्ड ही चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल रन का मतलब होता है दौड़ना, ठीक है. लेकिन अगर आप उसकी पास्ट फॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा. यहाँ पर इसके आगे ईडी तो नहीं लगेगा ना, ठीक है. तो कुछ वर्ड होते हैं कि इरेगुलर वर्ड्स वो होते हैं जिनके अंदर उनकी पास्ट फॉर्म चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल सी, लेकिन इसकी पास्ट फॉर्म सीड तो नहीं होगी ना, इसकी पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सा हो जाएगी, है ना. तो इस तरीके से इनकी फॉर्म इस तरीके से चेंज हो जाती है, ठीक है. आई हैव रिटन द आंसर हियर. जिनके अंदर ईडी लगता है, जिन फॉर्म्स के अंदर ईडी एड होता है पास्ट फॉर्म के अंदर, लेकिन ऐसी फॉर्म इरेगुलर एक्शंस को भी मैंने यहाँ पर, कुछ इरेगुलर एक्शंस के भी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए जिनके अंदर ईडी एड नहीं होता, उनका पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है, ओके. तो देख लेते हैं एक बार, रिप्लाई रिप्लाइड, ओके. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें दे रखा था लिव का लिव्ड हो गया, तो रिप्लाई रिप्लाइड, इंस्ट्रक्ट इंस्ट्रक्टेड, ओबे ओबेड, आस्क asked, right? Now we are done with this. Irregular action words को देख लेते हैं एक बार, जैसे कि meet का met हो गया था, मतलब पूरा word ही change हो गया था, okay? और with the pronunciation, उसकी pronunciation भी change हो गई थी. Leap का leapt हो जाएगा, ठीक है. Run का ran हो जाएगा, think का thought हो जाएगा, और take का took हो जाएगा, राइट. वी आर डन विद दिस. नाउ लेट्स मूविंग ऑन विद द प्रोजेक्ट वर्क. तो ये बेसिकली आपको खुद से करना है, प्रोजेक्ट वर्क आपको खुद से करना है, अपने कुलीग्स अपने फ्रेंड्स के साथ आपको मिलकर करना है काम. तो देखते हैं आपको कैसे करना है. सिट इन ग्रुप ऑफ फाइव, ठीक है. तो आपको फाइव के ग्रुप्स में बैठना है, पांच लोगों के ग्रुप में. नाउ ईच स्टूडेंट विल टेल अ स्टोरी, डिसाइड विच स्टोरी वॉज बेस्ट एंड डिक्लेयर द निंगथौ और लीमा ऑफ द ग्रुप, ठीक है. तो बड़ा ही प्यारा सा एक प्रोजेक्ट वर्क है. इसके अंदर आपको पांच लोगों के ग्रुप में बैठना है, अपने पांच फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठना है, और सब वन बाय वन आप लोग स्टोरी सुनाओगे, ठीक है. जो सबसे अच्छी स्टोरी सुनाएगा वो डिक्लेयर हो जाएगा ग्रुप का, क्या तो निंगथौ या फिर लीमा. कितना ही प्यारा सा मतलब प्रोजेक्ट वर्क है. तो आप इसको जरूर करके देखना अपने घर में, ठीक है. Find out stories about other great people's lives and their childhood. तो अला और भी अलग अलग stories आपको find out करनी है, ठीक है, great people की. For example, आप महात्मा गांधी की एक स्टोरी उठा सकते हो, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर की आप बायोग्राफी उठा सकते हो, या फिर अब्राहम लिंकन की आप स्टोरी उठा सकते हो, ठीक है. तो ये ग्रेट स्टोरीज आप ले सकते हो, उनकी लाइफ्स के बारे में आप पढ़ सकते हो, एंड देयर चाइल्डहुड, आप उनकी चाइल्डहुड के बारे में पढ़ सकते हो कि उनका चाइल्डहुड कैसे रहता था, ठीक है. एंड राइट दीज इन योर नोटबुक, और आपको उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है जो भी आपने पढ़ा है उसमें. कलेक्ट एटलीस्ट टू सच स्टोरीज एंड शेयर देम विद योर फ्रेंड्स. तो इस तरीके की आप दो स्टोरीज को कलेक्ट कर लो और उनको अपने फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर करना है, राइट. तो ये काम आपको खुद से करना है, ओके. You could think of famous. तो आपको यहाँ पर hints दे रखे हैं, तो आप इन लोगों के बारे में find out कर सकते हो stories. Scientist, religious people, freedom fighters, okay, brave children. जो भी brave children हैं वो एक example है उनके बारे में. Astronauts के बारे में पढ़ सकते stories को आप find कर सकते हो. And artist, right? Now we are done. Now we are done with the exercise questions and the story. I hope you have enjoyed and understood well. Thank you.